आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 जो कि हमारा ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिमेज। तो याद रखना एंशिएंट हिस्ट्री जो है कम्प्लीटली हम अपने क्लास 6 की हिस्ट्री में कवर अप करते हैं। तो अभी तक हमने यूनिट 9 में आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। आज हम यूनिट 10 में देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ट्रेड किया जाता था एंशिएंट के समय पर और ट्रेडर्स हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें पूछा गया है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जैसे कि अभी आपने हमने प्रीवियस जो यूनिट में पढ़ा था आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर जो कि एक तरीके की बहुत फाइन पोइट्री थी और सॉरी पोट्री थी, स्पेशली अगर हम बाउल्स की बात करें आपकी प्लेट्स की बात करें जो हमें उस टाइम पर जो हमारे आर्कियोलॉजिकल्स थे उन्होंने इसको फाउंड किया था। ठीक है, साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे आपके दक्षिण भारत की, तो याद रखना कि ये आपके गोल्ड स्पाइसेस आपके पेपर प्रीशियस स्टोन इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है फेमस माना जाता है। तो मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में एक बात कही थी कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने अंडरलाइन या हाईलाइट कर रखी हैं ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साउथ इंडिया की बात हमने की कि यहाँ पर आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। उसमें जो हमारी जो काली मिर्च की अगर हम बात करते हैं ये वॉज पर्टिकुलरली वैल्यू इन द रोमन एम्पायर। ठीक है, आपके पेपर को यहाँ पर आपके ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इसमें से ऐसे कौन सा स्पाइसी या मसाले हैं जिन्हें हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका पेपर यानी कि काली मिर्च। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपकी बात की गई है कि रोमन एम्पायर में रोम में अगर आप देखोगे कि यहाँ पर बाय लैंड इन कारवेंस यानी जो ये बाय लैंड के थ्रू जब व्यापार करते थे तो किसका यूज़ करते थे आपके कारवेंस का यूज़ करते थे और रोमन में जो गोल्ड कॉइन का यूज़ किया जाता था। ठीक है, हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आप क्या देखोगे कि हमें रोमन के गोल्ड कॉइन्स मिले। एग्जाम में इसकी जगह सिल्वर ब्रोंज कॉपर गोल्ड कोई भी हो सकता है बट राइट आंसर क्या होगा आपका गोल्ड कॉइन्स। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करेंगे जिसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट जो पूरा बॉक्स है, मैंने आपको कई बार एक चीज़ बताई हमारी सारी क्लासेस में कि एनसीईआरटी के हर एक यूनिट में जो भी बॉक्सेस दे रखे या साइड में जो पॉइंट्स दे रखे उसको कभी भी स्किप मत करो। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चों का जो फोकस है यहीं पर नहीं रहता। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है, तो यहाँ पर आपकी पोयम लिखी गई जिसमें हमारे ट्रेड के बारे में बताया गया। अब वो पोयम कौन सी है, संघम पोयम, संघम लिटरेचर। याद होगा संघम लिटरेचर मैंने आपको बताया था कि जब हम साउथ इंडिया के बारे में पढ़ते हो यानी जो डायनेस्टी तमिल में रूल करती है उन्हें हम संघम पोयम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बंदरगाह जो है वो है पुहार। एग्जाम में पूछा जाता है पुहार आप देखोगे। ठीक है, प्रैंचिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप, बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, आपके जेम्स और गोल्ड बोन आपके हिमालय में, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपसे मैच दी फॉलोइंग के थ्रू पूछी जाती है तो आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जेम्स और गोल्ड की बात करें तो ये आपके हिमालय में, सैंडलवुड की अगर हम बात करें जिसे आप चंदन कहते हो वो हमारे वेस्टर्न हिल्स में मिलेंगे, पर्ल्स की बात करें तो ये आपके साउथर्न सी में, कोरल्स की बात करें तो हमारे ईस्टर्न ओशन में मिलते हैं। ठीक है, और ईल ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी फूड स्टफ, और आप देखोगे श्रीलंका में, पोट्री आप देखोगे म्यांमार। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस वाले बॉक्स को कोई भी स्किप नहीं करेगा, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से वन वर्ड हो या मैच दी फॉलोइंग के थ्रू आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि ट्रेडर जो है आपके बहुत जगह एक्सप्लोर करते हैं आपके सी रूट के थ्रू, और यहाँ पर आप देखोगे लाइक इन्होंने आपके अरेबियन सी से लेकर पूरा बे ऑफ बंगाल हर जगह इन्होंने क्रॉस पार किया है। और वो भी आप देखते हो ना, एक होता है कि मौसम के अकॉर्डिंगली हमें सारी चीज़ें देखनी होती है, तो आपका वेस्टर्न कोस्ट हो, ईस्ट अफ्रीका, अरेबिया हो, साउथ वेस्ट का मानसून हो, उसके यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि अच्छी खासी लॉन्ग जर्नी बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करेंगे हमारा एक नया साम्राज्य है अलॉन्ग द कोस्ट। देखो यहाँ पर साउदर्न यानी हम आपके दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक लॉन्ग कोस्टल लाइन आपको देखने को मिलेगी जिसमें हिल्स, प्लेट्यू, आपके रिवर वैली सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, रिवर वैली की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फर्टाइल जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है वो है आपकी कावेरी, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिच एंड पावरफुल जो कोस्ट है वो सबसे ज़्यादा रिच और पावरफुल आपको देखने को मिलते हैं। संगम पोयम में इसको मेंशन किया गया मुवेंडर, आपके एग्जाम में पूछा जाता है मुवेंडर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है थ्री चीफ। वेंडर का मतलब क्या होता है आपके तमिल वर्ड में, थ्री चीफ होता है, यूज फॉर द हेड ऑफ थ्री, किसके लिए यूज होता है आइए चलिए बात करते हैं। तीन रूलिंग फैमिलीज के लिए यूज होता है जिसमें आपके चोर, चेर और पांड्या, इन्हें किस नाम से बुलाया गया आपके मुवेंडर। क्लियर हुआ, और ये सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी हमारे साउथ इंडिया में आज से 2300 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो।
और यहाँ पर आप सभी देखोगे कि ये जो हमारी तीनों डायनेस्टीज हैं, इनके जो तीनों चीफ मैंने आपको बताया, इसके दो इंपॉर्टेंट सेंटर हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे। एक था इनका आइलैंड, ठीक है, और दूसरा आप देखोगे कोस्ट। जो सबसे इन सारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो 6 शहर आप देखते हो, इसमें से दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ मानी जाती है, एक तो है पोहार, ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कावेरीपटना। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं किसके, आपके चोल साम्राज्य की। और दूसरे अगर मैं बात करूँ मदुराई, जो कि आपकी राजधानी यानी कैपिटल है पांड्या डायनेस्टी की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके। फिर यहाँ पे आपके बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग जो जो टैक्सेस हैं वो रेगुलर कलेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, इसके वजह यानी इसके अगर टैक्स रेगुलर नहीं करते तो ये क्या करते थे, ये डिमांड करते थे और रिसीव करते थे आपके गिफ्ट लोगों से, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और मतलब यहाँ पर आज के उसमें आप चैप्टर में देखोगे हम पूरे संगम लिटरेचर या संगम एज, जिसमें चेर जो पांड्या डायनेस्टी आप देखते हो, संगम में कलेक्शन में आपको ये कंपोज किया गया पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ हु ऑफ्टन रिवॉर्डेड देम विद प्रीसियस स्टोन गोल्ड हॉर्सेस एलिफेंट चैरियट्स और आपके फाइन क्लोथ, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद आगे आप क्या देखते हो कि आज से 200 साल बाद एक डायनेस्टी आती जिसका नाम था सातवाहन। कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ सातवाहन साम्राज्य जब हमारे भारत में आया तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारे वेस्टर्न इंडिया में था। सातवाहन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था सिमुका, ठीक है, बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पावरफुल जो रूलर थे उनका नाम था गोतामी पुत्र सतकर्णी। सबसे पावरफुल रूलर अगर हम सातवाहन डायनेस्टी में देखोगे तो वो कौन माने जाते हैं आपके, यस, गोतामी पुत्र सतकर्णी। और इनसे रिलेटेड आप देखोगे कि हमारे इंस्क्रिप्शन जो इंस्क्राइब हुए थे उसमें आप देखते हो कि यहाँ पर इन्होंने अपने सातवाहन के जो रूलर हैं इनको माना जाता है एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पंथ। सातवाहन के जो राजा हैं उन्हें क्या माना जाता है, लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पंथ, लिटरली यहाँ पर आप सोर्स देखोगे। लेकिन याद रखना यहाँ पर जो इनके इंस्क्रिप्शन जो इंस्क्राइब किए गए थे गोतामी बालाश्री, यानी कि इन्होंने जो अपने नाम के आगे जो नेम मेंशन किया ना, ये इन्होंने अपने मदर का नाम लगाया था, श्री तत्कर्णी ने गोतामी पुत्र, इन्होंने अपने नाम के आगे मदर का नेम लगाया था, इसलिए हम देखते हैं कि इस टाइम की सोसाइटी थी वो आपकी मैट्रिनिरियल थी, ठीक है, क्योंकि बाकी आप अदर साम्राज्यों में देखोगे जो सोसाइटी होती है वो आपकी पैट्रिनिरियल होती है, लेकिन सातवाहन में याद रखो सोसाइटी पूछी जाएगी तो मैट्रिनिरियल मानी जाती है। और यहाँ पर लिटरली जो यहाँ पर जो सातवाहन के रूलर हैं इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पंथ के नाम से हम जानते हैं, और लिटरली जो इनका रूट होता है वो कहाँ लीड करता है आपके साउथ में, ठीक है, और ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न वेस्टर्न और आपके साउदर्न कोस्ट, इन्होंने अपने जो आर्मी थी वो इन सारी जगहों पर भेजी थी। फिर हम बात करेंगे आपके सिल्क रूट की स्टोरी, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये बहुत रिच ग्लॉसी कलर होता है सिल्क का, एज वेल एज स्मूथ टेक्सचर होता है, और ये बहुत हाईली वैल्यू फैब्रिक होता है हमारी सोसाइटी में। सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसको रॉ सिल्क जो है, क्योंकि देखो हमारे एग्जाम में सिल्क से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको इस पॉइंट जो है वो पता होने चाहिए। यहाँ पर ये पैराग्राफ में मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए मैंशन किया क्योंकि हमारे एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो किससे बनते हैं, ककून्स ऑफ सिल्क वर्म्स स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वूवन इनटू क्लोथ, ये पूरी टेक्निक है सिल्क बनने का। और यहाँ पर टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर्क, पहली बार याद रखना जो पहला इन्वेंशन हुआ था हमारे जो सिल्क बनने की टेक्निक वो चाइना में हुई थी, आज से 7000 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो हमारी टेक्निक है सिल्क की बनने की उसका इन्वेंशन पहली बार कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर है आपका चाइना यानी कि चीन। तो सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड ऑन फूट, तो ये किसे आते थे, अपने पैरों से या हॉर्सबैक, आपके कैमल्स हुए, तो ये सारे क्या लेके जाते थे, सिल्क को कैरी करते थे, ठीक है। और ये कौन से रास्तों को फॉलो करते थे जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके जो चाइना के रूलर्स हैं उन्होंने सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर इन ईरान, चाइना के लोग क्या करते थे, ये सिल्क को गिफ्ट करते थे आपके जो ईरान के रूलर होते थे, वेस्टर्न एशिया के रूलर होते थे, तो नॉलेज उन्हें अच्छी खासी थी। आज से 2000 साल पहले की बात यहाँ बताई जा रही है कि लोगों ने क्या करना शुरू किया, आपके सिल्क को वेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पर जो हमारे रोम में जितने भी रिच पीपल हुआ करते थे वो यही, यानी ये फैशन उस टाइम बन चुका था, सिल्क उस टाइम पर आपको पता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, ठीक है, तो ये सिर्फ रिच पीपल ही इसको पहन पाते थे। ये चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो सिल्क रूट और उसके ब्रांचेज आप यहाँ देखते हो, यहाँ पर इनका फ़ायदा क्या, जो लार्ज पोर्शन का जो कंट्रोल है राजा की पूरी कोशिश होती थी कि वो सिल्क रूट का ये जो पूरा एरिया है इसको क्या करे, अपने कंट्रोल में कर दे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन। उससे फ़ायदा क्या होगा, टैक्सेस देने का, ट्रिब्यूट एंड गिफ्ट दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स, तो यहाँ से व्यापारियों से क्या होगा, टैक्स दिया जाएगा जो इस भी कोई भी जो इस रूट से जाएगा तो, और साथ ही साथ उसके बदले में भी कुछ वो प्रोवाइड करते, तो राजा क्या करेंगे उनको बदले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। तो जो भी ट्रेडर इस साम्राज्य के आसपास से जाएगा गुजरेगा और वहाँ से अगर कोई रॉबर जो चोरी करेगा तो उससे प्रोटेक्शन करने का काम वो राजा करता था।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट, अगर हम सिल्क रूट का जो कंट्रोल सबसे अच्छा आप देखोगे वो था हमारे कुषाण के हाथ में। कुषाण ने हमारे सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आज से 2000 साल पहले की बात बता रहे हैं यहाँ पर, और ये चीज़ हम देखते हैं। उसके बाद आप देखोगे दो इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, एक था आपका पेशावर और दूसरा था मथुरा। आपको पता है कि हमारे कुषाण डायनेस्टी की जो सेकेंड वो है कैपिटल वो क्या है, मथुरा। ठीक है, पेशावर भी आप देखोगे इनकी फर्स्ट कैपिटल मानी जाती है। तक्षशिला जो सेंटर है ये भी आपके कुषाण डायनेस्टी में ये सेंटर भी इंक्लूड हुआ। और अब ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये सिल्क रूट का जो पूरा ब्रांच है ये पूरे सेंट्रल एशिया में फैला, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। कुषाण भी जो है आपके सबसे अर्लीस्ट रूलर सब कॉन्टिनेंट में, ये पहले ऐसे रूलर हैं जिन्होंने हमारे इंडिया में गोल्ड को इशू किया था। ये बात सभी को पता है, गोल्ड कॉइन हमारे इंडिया में लेकर के आने वाले कुषाण ही हैं। और देवर यूज्ड बाय ट्रेडर अलोंग द सिल्क रूट। तो ये कौन से ट्रेडर यूज़ करते थे, जो जितने भी सिल्क रूट से यहाँ पर जो व्यापारी आया करते थे वो लोग इस गोल्ड कॉइन का यूज़ करते थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साइड में आपको बताया स्क्रिप्चर, आपका जो स्तूप हम सांची में देखते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंशन कर रखा है, वो चीज़ याद रखनी है। वही आपका स्क्रिप्चर जो यहाँ पर ये आपकी किस चीज़ को इंडिकेट करता है, जो हमारे गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना पीपल के पेड़ के नीचे, जब वो बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया था, बस वही चीज यहाँ पर मेंशन की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म में हम देखते हैं कि जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था कि बुद्धिज्म बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की, अब बात आती है कि बौद्ध धर्म को फैलाया कैसे गया, किस किस ने फैलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे मोस्ट जो फेमस आपके जो कुषाण के राजा थे जिनका नाम है कनिष्क, ठीक है, जो कि आपके कुषाण डायनेस्टी के थर्ड नंबर के रूलर हैं, जिन्होंने आपके आज से 1900 साल पहले रूल किया था। और इन्होंने अपने टाइम पर, आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर उस टाइम पर हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। ठीक है, कमेंट करके सभी बताओगे कि कनिष्क के टाइम पर फोर बुद्धिस्ट काउंसिल में से कौन सी काउंसिल कनिष्क के समय पर हमें देखने को मिलती है, और जिसमें हमारे जो सारे विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं वो मिलते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर लोगों ने डिस्कस किया था। फिर आते हैं आपके अश्वघोष। अश्वघोष आप सभी जानते हो कि एक पोएट है जिन्होंने आपकी बुद्धा की बायोग्राफी को कंपोज किया था, बायोग्राफी को लिखा था, और वो थी आपकी बुद्ध चरित। ठीक है, तो बुद्धा की आपकी बुद्ध चरित्र की उन्होंने बुक लिखी अश्वघोष ने, जिन्होंने गौतम बुद्ध की पूरी बायोग्राफी में इसमें मेंशन किया था। अश्वघोष ने और भी बहुत जो अदर हमारे बुद्ध स्कॉलर हैं जिन्होंने यहाँ पर कौन सी भाषा में लिखा, संस्कृत भाषा में। ठीक है, फिर आप देखते हो कि हमारे जो बौद्ध धर्म के हैं वो दो, एक महायान आप देखोगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, महायान और हीनयान दो बौद्ध धर्म में यहाँ पर डिवाइड हुआ था। महायान बुद्धिज्म यहाँ पर आपका डेवलप, उसका विकास हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसी काउंसिल के दौरान ही बुद्धिज्म जो है वो हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था। आपकी आगे देखोगे तो यहाँ पर आपके महायान बुद्धिज्म यहाँ पर डेवलप हुआ, और जिसमें आप देखोगे कि ये लोग आपके बुद्धा के प्रेजेंस यहाँ पर, यानी कि ये लोग आपके स्क्रिप्चर्स जो मूर्तियाँ होती है ना उसमें जो साइन है उसमें ये बिलीव करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो भी आपके किसके, पीपल के ट्री के नीचे। तो इस तरीके का स्क्रिप्चर आप देख सकते हो। इसके बाद मथुरा में आप देखते हो, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी कुषाण की सेकेंड कैपिटल है, दूसरी राजधानी है। और उसके बाद आपके तक्षशिला के भी बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ, गौतम बुद्ध के जो स्टैचूज है वो बनाए जाने लगे मथुरा में आपके, उसके बाद तक्षशिला में आप देखोगे। उसके बाद जो दूसरा चेंज हुआ था कि ये लोग आपके बोधिसत्व, ठीक है, आपके एग्जाम में बोधिसत्व टर्म दिया जाता है, पूछा जाता है कि बोधिसत्व का मतलब क्या होता है। तो आप देखोगे दीज वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेंड इनलाइटनमेंट, तो वो कौन से पर्सन होते हैं जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली होती है, और जो आपके क्या करते हैं इनलाइटनमेंट को अटेंड करते हैं, दे कुड लिव इन कंप्लीट, ठीक है, मेडिटेशन क्या करते हैं। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जब कभी भी अगर किसी को इनलाइटनमेंट तो वो कब मिलेगा, जब उसे आपकी मेडिटेशन करेगा, क्योंकि जब हम उसमें पीस में यानी शांत में जाते हैं, आपको भी पता है ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि महायान के जो आपके वो है ना बुद्धिस्ट, वो इसमें मानते थे, और धीरे धीरे इनकी जो वर्शिप है ये बोधिसत्व जो है बहुत पॉपुलर होता गया, फैलता गया, कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, और धीरे धीरे कोरिया और जापान में भी। बुद्धिज्म जो है वो बताया जाता है हमारे इंडिया में वेस्टर्न और साउदर्न इंडिया दोनों में फैला था, और वहाँ पे उन्होंने कई सारे गुफाएं जो है दर्जन में यहाँ पर दी थी, जहाँ पे आप देखोगे कि हमारे जो मॉन्क्स हैं भिक्षु हैं वहाँ पे रहा करते थे, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है। ठीक है, जिसे आप चैत्य और विहार के नाम से जानते होंगे, तो चैत्य और विहार क्या होता है कमेंट करके सभी बताओगे, दोनों ही केव होते हैं, लेकिन चैत्य और विहार को किस पर्पज़ से यहाँ पे बुद्धिस्ट के मॉन्क इसको यूज़ करते थे, ये चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पर बहुत सारे जो केव्स हैं वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन,
कुछ जो बाकी के मर्चेंट और फार्मर्स, कुछ यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये गुफाएं आप देखोगे कहाँ पर होगा, वेस्टर्न घाट पे, उससे रिलेटेड जो है वो रोड जो है वो कनेक्ट यहाँ पर की जाती थी, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो ये गुफाएं वहीं पर बनाई जाती थी ताकि ये लोग मेडिटेशन, क्योंकि पीसफुल हमें जगह चाहिए होती है तभी तो मेडिटेशन हो सकती है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर आपके मेंशन की। नेक्स्ट आप देखोगे कि इन्होंने बताया कि हमारे बुद्धिज़्म जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आपके साउथ ईस्ट वर्ल्ड में, श्रीलंका में, म्यांमार, थाईलैंड और आपके साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूडिंग इंडोनेशिया में भी बुद्धिज़्म जो है आपका यहाँ तक फैलता है। और ये जो पूरा हमें पता है कि बौद्ध धर्म का ये हमारा सबसे पुराना फॉर्म है और उसे हम त्रेतावाद बुद्धिज़्म कहते हैं, ये सबसे पॉपुलर है, ठीक है। ये केव जो कार्ले का आपसे गुफा पूछे कि आपके ये कहाँ पर है, आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आपके द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिमेज, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं जो भूमि यानी लैंड के थ्रू कारवांस और आपके शिप का यूज़ करते थे और ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो पिलग्रिमेज आपके जो मैन और वुमेन हैं ये दोनों ही आप देखोगे वर्शिप के लिए यहाँ पर जाते थे। देखो चाइना के ट्रैवलर की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। देखो चाइना के कुछ हमारे ट्रैवलर हमारे भारत में आए थे जिसमें सबसे पहले याद होना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फाहैन, उसके बाद वांगजांग और आइकिंग, ये तीन आपको याद रखना है। चाइनीज के जो बुद्धिस्ट के ये तीनों ही आपके बौद्ध धर्म में ही बिलीव करते थे, उसको और जानने के लिए फाहैन जो है ये आपके आज से 1600 साल पहले आए थे, वांगजांग की बात करें आज से 1400 साल पहले आए थे और आइकिंग जो है ये आपके आज से 50 साल, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और ये लोग आपके यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो विजिट जो जगहें हैं वहाँ पर इन्होंने आके विजिट करा और उनके जो फेमस मोनास्ट्रीज है वहाँ पे भी आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि मोनास्ट्री में आके विजिट करते हैं, उनसे रिलेटेड जो बुक है वो सारी चीज़ें, क्योंकि इन लोगों को बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म के बारे में और भी चीज़ें जाननी थी। तो वहाँ जब आपके वापस इंडिया से आने के बाद वापस जब चाइना जाते हैं, तो इसे मैंने आपको क्या बताया कि ये ट्रैवलर है तो इंडिया में जो भी चीज़ें इन्हें समझ में आई तो इन्होंने अपनी बुक में मेंशन की, वो सारी चीज़ें जाके ऑब्वियसली सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, ये सब कुछ आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये पैराग्राफ में देखो हमारे जो सेकंड नंबर के चाइनीज ट्रैवलर थे वांगजांग, ये हु टुक द लैंड रूट बैक चाइना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया के थ्रू ये वहाँ चाइना वापस गए थे, जिन्होंने क्या किया था गौतम बुद्ध के जो स्टैचूज है वो गोल्ड सिल्वर सैंडलवुड यानी चंदन इससे बने हुए थे, इसको लेकर जाते हैं। मैनुस्क्रिप्ट यानी जो पांडुलिपि है वो भी लोड करके अच्छा खासा ले गए थे और कम से कम कितने 20 हॉर्सेस के साथ, एग्जाम में पूछा जाता है कितनी मैनुस्क्रिप्ट, तो 600 वहाँ पे 5, 7, 8 कुछ भी लिखा होगा, राइट आंसर क्या होगा 600 आपकी मैनुस्क्रिप्ट लेके गए, जिसमें से 50 मैनुस्क्रिप्ट जो है वो क्या हो गई, खो गई, जब जो बोट के थ्रू यहाँ पर ये क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है ना कि कभी भी कोई भी गुड़ अगर समुद्र के द्वारा जाता था तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खो जाती थी या कोई प्लंडर कोई लूटपाट के थ्रू उसे ले जाता था, जिसमें से 600 में से क्या हुआ 50 मैनुस्क्रिप्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब ये बाकी की जो आपकी पांडुलिपि मैनुस्क्रिप्ट थी उसको जो संस्कृत भाषा में लिखी थी उसको चाइना की भाषा में ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने इसके बारे में ना पढ़ा हो, वांगजांग जो है ये इसमें अपना जो पढ़ाई है वो यहीं से की थी, आपको पता है जो कि बिहार में, और ये सबसे फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी उस टाइम पर, ठीक है, सबसे फेमस, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट में अब हम बात करेंगे, वो हमने ट्रैवलर की बात करी, अब आपकी बात की जा रही है जब यहाँ पर भक्ति की शुरुआत होती है, भक्ति की यहाँ पर आपकी बात हुई जिसमें जब वर्शिप की शुरुआत होती है तो देखो विष्णु को एज अ वराह, ठीक है, विष्णु को ऐसा वराह यहाँ पे वर्शिप की जाती थी, इनकी जो इमेज आपको ईरान मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, विष्णु जो मैंने आपको बताया वराह बोल ये याद रखना पुराण के अकॉर्डिंग ये है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो भक्ति मतलब आप समझ रहे हो ना कि जब यहाँ पर वर्शिप की जाती थी, यहाँ पर आपके हिंदुज़म की बात करें कि जब हमारे एंशियंट इंडिया के टाइम पर हिंदुज़म आया हिंदू धर्म आया तो उसमें से विष्णु आपकी जो दुर्गा माता है इनकी वर्शिप की जाने लगी थी और इन सारी देवी देवताओं को जब लोगों ने वर्शिप करनी शुरू की थी किसके थ्रू, भक्ति के थ्रू, ठीक है। तो धीरे धीरे जो ये आइडिया ये पॉपुलर होता चला गया, आपका जो भक्ति है जनरली क्या हुआ लोगों ने इसको समझने की थ्रू की कि हमारा जो कहते हैं ना कि भक्ति, और फिर आपने कई बार जैसे कबीर आपने सुना होगा कि यहाँ पर कभी भी हमें किसी भी देवी देवता की पूजा करनी है तो हम अपनी भक्ति से ही कर सकते हैं, हमें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, लाइक किसी भी पोप प्रिस्ट इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती, आप घर में ही राम नाम जप कर भी अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई भी, और भक्ति में क्या था आप चाहे कोई भी कास्ट से हो हाई या फिर लो कास्ट के, हर कोई यहाँ पर भक्ति के जो रास्ते पर चलता है, हमारे जो भक्ति का आइडिया है ये प्रेजेंट कहाँ से आया, भगवद गीता से, जो आपको पता है हमारी स्केट बुक है हिंदू की और ये इंक्लूडेड महाभारत
में भी इंक्लूडेड है, और इसमें हम कृष्णा जो गॉड है इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको इससे रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो देवी देवताओं के अलावा आप देखोगे ह्यूमन बींग वे लायन ट्री और मैनी अदर फॉर्म में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि पहले आपको पता है ना नेचर वर्शिप हुआ करता था, तो भक्ति से आपको क्या समझ आया कि ये आपका एक संस्कृत वर्ड है, ये भाज से मतलब आया, भाज का मीनिंग है टू डिवाइड और शेयर, ठीक है। और किसके बीच में का रिलेशन होता है, आपके डाइटी और डिवोटी मतलब भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में ये रिलेशनशिप हम देखते हैं, जिसमें हम भक्ति के थ्रू भगवान और इंसान जो है यानी भक्त जो है आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। भक्ति जो है ये डायरेक्ट किसकी तरफ जाता है, आपके भगवत की तरफ, ठीक है। ये चीज़ आपके किसके ट्रांसलेट करता है एज अ गॉड, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बॉक्स देख रहे हो, ये भी एक पोयम है जो भक्ति थ्रू लिखी गई है। तो याद रखना उस टाइम पर जो भक्ति की लिटरेचर लिखी गई तो आपके रिच पर्सन थे, लर्निंग और जो हाई स्टेटस के थे। तो यहाँ पर जो पोयम कंपोज की गई थी वो तमिल भाषा में की थी, किसने, आपके अपार ने, ठीक है। ये एक भक्त है किसके, शिव के। एग्जाम में यहाँ पे शिव की जगह विष्णु मेंशन करेंगे, बट याद रखना अपार जो है ये आपके शिव के भक्त हैं, जिन्होंने आज से 1400 साल के पहले यहाँ पर बात बताई है। और ये कौन सी कैटेगरी थे, वेल्लार, वेल्लार मतलब किसान, पीजेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इन्होंने ये पोयम यहाँ पर कंपोज की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बॉक्स में यही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे देवी देवताएं हैं जो बहुत स्पेशल थे, उनकी इमेजेस आपको देखने को मिलेगी, सबने अपने अपने घरों में लगाया, अपने मंदिरों में लगाया। शिव का मंदिर हुआ, विष्णु जी का हुआ, दुर्गा माता का हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली जो भी है कि फिर वो टेंपल उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। तो उनके स्क्रिप्चर्स, पोएट्री, आर्किटेक्चर, ये वो आर्ट है, वो तरीका है जिसमें उनको अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका जो हिंदू वर्ड है और जो हमारा टर्म है इंडिया, तो आपको पता है कि इंडिया वर्ड जो है ये आपके इंदस जो रिवर है इससे ये ड्राइव होकर आया। इसको किसने यूज़ किया था, आपके अरब के लोगों ने और ईरानियन के लोगों ने, ठीक है। इंडस यहाँ पे जब ये आपके ब्रिटिश हेल्प उन्होंने को इंडस कहा था, ये चीज़ें आपको याद रखनी। कई बार आया यूजीसी नेट में भी इवनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सब कुछ मैंने टर्म कराया है। नाउ बात करते हैं एंशेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड टॉपिक। क्रिश्चियनिटी आज से 2000 साल पहले आपको देखने को मिलेगा, ये इमर्ज हुआ था वेस्ट एशिया में। जीसस क्राइस्ट इसके फाउंडर हैं, जीसस क्राइस्ट ने आपके ईसाई धर्म की शुरुआत करी। जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम में हुआ था और धीरे धीरे ये रोमन एम्पायर में ही आपके जो है आपके क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म का विस्तार हुआ। यहाँ के लोगों ने, इनका मेन क्या था कि लोगों को सेवियर है ना, तो यहाँ पर इनकी टीचिंग क्या थी कि ये आपके एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। और धीरे धीरे ये क्रिश्चियनिटी जो है वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह ये फैला, ये चीज़ यहाँ बताई जा रही है। इवनली आप केरल में भी देखोगे कि यहाँ पर भी अब से ईसाई धर्म को फॉलो करने लगे थे यहाँ की कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं। ये मैच यदि फॉलोइंग है, ये होमवर्क के थ्रू आप इसको कर सकते हो, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। लास्ट में हर एक चैप्टर में मैं आप सभी से एक बात कहती हूँ कि हमें ये इंपॉर्टेंट डेट ज़रूर करना है, जिसमें हमारे एग्ज़ाम में बहुत कई बार क्वेश्चन मिलेगा, खासतौर से स्टेटमेंट में। सिल्क रूट की डिस्कवरी आज से 7000 साल पहले हुई थी। चोल चेर पांड्या जो है आज से 2300 साल पहले ये साम्राज्य आपको देखने को मिलता है। हमारे सिल्क की डिमांड रोमन साम्राज्य में आज से 2000 साल पहले आपको देखने को मिली। कनिष्क जो कि हमारे कुषाण डायनेस्टी के थर्ड रूलर हैं, इनका ये आपको आज से 1900 साल पहले मिलेंगे। उसके बाद चाइनीज़ के ट्रैवलर, याद रखना ये हमारे भारत में आज से 1600 साल पहले आए थे। वांजांग जो हमारे इंडिया में आए थे, जिन्होंने आपके अपार अभी बताया ना मैंने, आपके पोयम को डिवोशनल कंपोज जो किया था शिव के, वो डिवोटी थे आज से 1400 साल पहले, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास 6th की एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है हिस्ट्री का यूनिट 10, जो कि आज हमने अपनी इस क्लास में कंप्लीट कर ली। आशा करती हूँ आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ में जुड़ सकें। कल